नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले की छोटी खाटू से है, जहां सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान व्यापारी व आमजन कोरोना गाइडलाइन के खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कस्बे में 5 लोग कोरोना काल के ग्रास बनकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत सरपंच रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करने व अपने घरों में रहने की अपील की। साथ ही कोरोना के मरीज में हो रहे इजाफे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आमजन से सतर्क रहने की भी अपील की है। लेकिन कस्बे के व्यापारी जो आवश्यक सेवाओं के तहत अपनी दुकान खोलकर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ धन बटोरने में लगे हुए हैं। कस्बे के किराना फल सब्जियों की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसके चलते महामारी और फैलने का अंदेशा बना हुआ है। प्रशासन द्वारा जो लोग गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। छोटी खाटू से गौतम सोनी की विशेष रिपोर्ट। ग्राम पंचायत छोटी खाटू में कोविड की दूसरी लहर के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु ग्राम पंचायत प्रशासन, सरपंच साहिबान, वार्ड पंच साहिबान एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी द्वारा आम जन को कोविड की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करने हेतु अपील की जा रही है और लोगों से समझाइश की जा रही है और लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने हेतु प्रेरित किया जा रहा है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क से अपना मुंह है वे नाक ढकें और बार बार साबुन से हाथ धोएं, इस हेतु अपील की गई है। और कोर ग्रुप द्वारा घर घर से सर्वे करवाया जा रहा है कि किस घर में कौन कौन से लक्षण वाले मरीज हैं और उसके बाद में संभावित मरीजों को सर्वे कर मेडिकल किट वितरण किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। और पिछले दिनों में ग्राम पंचायत स्तर पर काफ़ी संख्या में कोविड के मरीज बढ़े हैं, इस हेतु ग्राम पंचायत सभी ग्रामवासियों से अपील करती है और इस हेतु आवश्यक रोकथाम एवं बचाव के उपाय ग्राम पंचायत